हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा, भाग, सब कुछ इसी वीडियो में बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है मिश्रित भिन्न का जोड़। और इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर तीन सही दो बटा दो और इसे दो सही एक बटा आठ। जो यहाँ पर है इसे सही पढ़ते हैं, जैसे तीन सही इसे हम सही बोलेंगे और इसके ऊपर वाला जो है दो बटे में दो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम भिन्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर बस दो सही पढ़ देंगे, फिर उसके बाद एक बटा आठ। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे हम, तो इसका दो इसका इसमें गुणा कराएंगे और फिर इसके बाद इसका जो आएगा उसके बाद ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। जैसे दो का गुणा हम तीन में कराएंगे कितना हो जाएगा, दो तीन छः और छः और दो कितना हो जाएगा आठ। यहाँ पर हम आठ ले लेंगे और बटे में जो रहेगा वही यानी दो यहाँ पर है बटे में, तो यहाँ पर दो लिख लेंगे और प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, प्लस बीच में है तो यहाँ पर। अब इस तरह से भी इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा करा लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। आठ दूना सोलह और एक सत्रह कितना हो जाएगा, सत्रह बटे कितना हो जाएगा, बटे में कितना आठ है तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा आठ। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पर दोनों हर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, दो और आठ का हमें एलसीएम लेना है, दो इकन्नम दो, दो चौका आठ, दो से कटेंगे फिर यहाँ पर एक नहीं कटेगा, दो इकन्नम दो, यहाँ पर दो दूना चार, दो दूना चार हो जाएगा, फिर उसके बाद दो इकन्नम दो। यहाँ पर आप इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, दो दूना चार, चार दूना आठ, यानी कि इसका एलसीएम जो है आठ ही आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका एलसीएम कितना आ गया है आठ, इसका एलसीएम आठ आ गया। अब क्या करेंगे इस हर से इस एलसीएम में हम भाग देंगे, जो एलसीएम हमारा आया है इसमें हम भाग देंगे इस दो से, यानी पहले भिन्न के हर से इसमें हम भाग करेंगे। कितनी बार जाएगी भाग, दो चौक आठ यानी चार बार भाग जाएगी। अब चार जितनी बार भाग जाएगी उसका ऊपर अंत में हम गुणा करा देंगे। यहाँ पर देखिए दो चौक आठ चार बार में हमारा कट गया, तो चार का गुणा हम ऊपर यहाँ पर कराएंगे, यहाँ पर चार का गुणा कराएंगे तो आठ चौक बत्तीस, यहाँ पर बत्तीस हो जाएगा और बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे। अब इस आठ से हम भाग देंगे इसमें एलसीएम में, कितनी बार जाएगा आठ इकन्नम आठ, एक बार जाएगा तो यहाँ पर हम एक का गुणा करा लेंगे, सत्रह इकन्नम सत्रह हो जाएगा हमारा। अब इसे अब इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, सात दो नौ और तीन एक चार, यानी कि उनचास बटे में आ जाएगा हमारा आठ, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हमने मिश्रित भिन्न का जोड़ सीख लिया है कितनी आसानी से। चलिए आइए देखते हैं हम मिश्रित भिन्न का घटाव। यहाँ पर देखिए हमारा मिश्रित भिन्न का घटाना क्या है, चार सही एक बटा तीन माइनस तीन सही दो बटा छः। यहाँ पर सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आप जानते ही हैं, इसका इसके में पहले गुणा कराएंगे और इसको जो आएगा उसे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे ऊपर वाले में। तो गुणा कराइए, चार तीन बारह और बारह एक यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तेरह, यहाँ पर हम तेरह लिख लेंगे, बटे में कितना है तीन है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे तीन लिख लेंगे। फिर बीच में देखेंगे माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसमें भी वैसे करेंगे। इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसे हम छह का गुणा हम तीन में कराएंगे, छत्रिक अठारह और अठारह को दो में जोड़ेंगे, अठारह दो बीस, बीस बटा कितना है छः है, यहाँ पर हम छः लिख लेंगे।
बटे में 6 है यहाँ पर भी हमने 6 लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो है कट जाएगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जा रही है, तो बड़ी संख्या जो होगी वही इसका एलसीएम हो जाएगी। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पर हम एलसीएम कितना लिख लिए हैं, 6 लिख लिए हैं। अब उसके बाद हम पहले भिन्न के हर से इस एलसीएम में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगी, 3 × 2 = 6 यानी 2 बार भाग जाएगी। अब 2 का क्या करेंगे, 2 बार जाएगी भाग, तो यहाँ पर 2 का गुणा करा लेंगे, जितनी बार भाग जाएगी उससे हम ऊपर वाले यानी अंश में गुणा करा लेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे 3 × 6 यहाँ पर 2 बार भाग गई है, तो 2 का हम उसके अंश में गुणा करा लिए हैं, कितना हो जाएगा 13 × 26। यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम 6 से भाग देंगे इस एलसीएम में, तो कितनी बार भाग जाएगी, 6 एक बार भाग जाएगी, तो 1 का गुणा हम इसमें इसके अंश में करा लेंगे। अब 20 × 20 हो जाएगा, यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 26 में से 20 को घटाएंगे, कितना जाएगा हमारा, 26 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और बटे में कितना है 6। यहाँ पर देखिए दोनों ऊपर नीचे सेमी संख्या, तो कटेगा कितना आ जाएगा, 6 × 6 यानी 1/1 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। हमने मिश्रित भिन्न का घटाना भी सीख लिया है, तो आइए आप क्या सीखते हैं, गुणा। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 सही 2/2 × 2 = 5/3। इसको हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलते हैं देखिए, इसका इसमें पहले गुणा कराते हैं, फिर उसके बाद जो ऊपर वाला संख्या है उसे हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 6 का गुणा हम 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 6 × 12 और 2 = 14। यहाँ पर 14/2 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर गुणा के निशान है तो गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हम 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 6 को हम 5 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा हमारा, 3। यहाँ पर देखिए गुणा है तो इसमें हम अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट रहा है और क्रॉस क्रॉस में कट रहा है तो हम काट सकते हैं, यहाँ पर आमने सामने में हम कोई संख्या नहीं काट सकते। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, यहाँ पर 2 × 7 = 14, 2 × 2 और 2 × 7 = 14, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, 7 और बटे में कितना है, 1 बचेगा और गुणे में क्या है, 11/3। तो इसका आपस में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 11 में कराएंगे, कितना आ जाएगा, 77 और बटे में कितना है हमारा, 3। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, यहाँ पर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अब मिश्रित भिन्न का भाग भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मिश्रित भिन्न का जो है भाग है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा के समझना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें भाग करने में। तो सबसे पहले आइए इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और ऊपर जो है उसको जोड़ लेंगे, 15 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, 17 और नीचे जो है वही हम लिख लेंगे, बटे में है, तो यहाँ पर बटे में 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए भाग का निशान है तो यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे हम। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का गुणा हम इसमें कराएंगे, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 11, 11 बटे में कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भाग का निशान है इसे हम भाग नहीं करके इसे हम गुणे के निशान में बदलते हैं। यहाँ पर भाग अगर भिन्न का भाग है तो उससे सबसे पहले हम भाग के निशान को गुणे के निशान में बदलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 17/3 लिख लेंगे और यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। जब गुणा का निशान लगाते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा भिन्न होता है हमारा
उल्टा हो जाता है, यानी तीन ऊपर आ जाएगा और 11 जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया, यानी कि इस भिन्न का जो है यहाँ पर उल्टा हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, इसमें भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, लेकिन क्रॉस क्रॉस में कट रहा है, तो क्रॉस क्रॉस में कटेगा तो काट देंगे, अगर सामने सामने कटेगा तो नहीं काटेंगे। बस यहाँ पर ध्यान देना है, सामने सामने कटेगा तो नहीं काटेंगे, अगर ऊपर नीचे और क्रॉस क्रॉस में कटेगा तो काट देंगे। यहाँ पर देखिए तीन से तीन कट जाएगा, यानी तीन इकन्नम तीन, यहाँ पर भी एक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 17 का गुणा एक में कराएंगे, कितना हो जाएगा 17 इकन्नम 17, और बटे में कितना हो जाएगा 11 इकन्नम 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा 17/11। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।